मस्जिद दरगाहों पर बीजेपी आरएसएस की नजर, मनमर्जी से लिख देंगे सर्वे रिपोर्ट, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भड़के ओवैसी। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम ही कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया, वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन एक साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज अब दोबारा उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है, ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गजीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, माने अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में एंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा, न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन एस्टैब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है, अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है, अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा, इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती, यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे
एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना पहले, फिर सर्वे कराना उसका और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ये हो रही है